नमस्कार। आज हम सांभर बनाएंगे। इसको बनाने के लिए ये मैंने अरहर की दाल ली है, तुअर दाल है। इसको 100 ग्राम लिया है, इसको एक घंटे पहले भिगो दिया था। और जो हम इसका एक सीक्रेट मसाला बनाएंगे, इसमें हम सांभर मसाला नहीं डालेंगे, इसको हम बनाएंगे। वो उसकी सामग्री आप पहले आपको दिखा देते हैं। उसमें जीरा लेंगे हम, मेथी, चना दाल, चावल, साबुत धनिया है, हींग लेंगे, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, नारियल है, 5-6 लहसुन, अदरक, 2 हरी मिर्चें, करी पत्ता, प्याज, 4 लाल मिर्च हैं। और सूखे मसालों में ये कश्मीरी मिर्च लेंगे, नमक लेंगे और ये हल्दी पाउडर। हम बनाना शुरू करेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच हमने तेल डाला है। जीरा डालेंगे, आंच हम हल्की रखेंगे। मेथी, चना दाल और ये चावल डाल रहे हैं। इसको मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। तो भूनेंगे, देखिए धनिया डाल देंगे। नींबू डालेंगे 1/4 चम्मच, लौंग, 2 इलायची हरी, इसको भून लेना है। और ये देखिए, ये लहसुन की कलियां डाल देंगे, 4-5 लहसुन की कलियां हैं, अदरक, नारियल, करी पत्ता और ये हरी मिर्च, इसको हमें भूनना है थोड़ी देर, गुलाबी होने तक। धीमी आंच पर ही हम इसको भूनेंगे। हमारा मसाला ये भून गया है और हम इसमें और मसाले डालेंगे। ये कश्मीरी मिर्च डालेंगे, ठीक है, हल्दी डालेंगे, और ये प्याज डालेंगे और ये मिर्च डाल देंगे, सूखी मिर्चें डाल देंगे। उसको भी भूनना है, उसको भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक, देखिए हमको इसको 2 मिनट भूनना है। देखिए हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। ठंडा होने पर हम इसको पीसेंगे। देखिए मसाला हमारा ठंडा हो गया है, हम इसको पीस लेंगे और बिल्कुल महीन पेस्ट बनाएंगे। इसमें पानी डाल करके, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे पीसेंगे। देखिए ये हमारा मसाला पीस के तैयार कर लिया है हमने। पानी डाल करके इसको पीसा है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। और इसमें ये 1 मूली ली है और लौकी है, टमाटर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अब हम बनाना शुरू करेंगे। कुकर हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम 1 चमचा ये तेल डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, लौकी डाल देंगे, मूली डालेंगे, टमाटर डालेंगे और ये नमक। और ये हमने जो मसाला बनाया था, ये मसाला डाल देंगे।
इसको हमें 2 मिनट इसी तरह से भूनना है। इसको मसाले को सब्जियों को हम इसे इसी तरह से 2 मिनट भूनेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हमको भूनते हुए, इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया है। और अब हम इसमें अपनी ये दाल डाल देंगे। जितनी हमारी दाल थी उससे हम 8 गुना इसमें पानी डालेंगे। देखिए हमने अपना पानी डाल दिया, अब ये खौल आ जाएगा। तब तक हमको इसको खुला ही पकाना है। जब तक खौल नहीं आ जाता इसी तरह से हम इसको खुला ही पकाएंगे। जब खौल आ जाएगा तब हम इसमें इसका ढक्कन लगाएंगे। देखिए देखिए खौल आ गया है इसमें, और अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और फुल फ्लेम पर इसको हम 5 सीटी आने तक पकाएंगे। फुल फ्लेम पर हमको पकाना है और 5 सीटी आने तक। ठीक है, 5 सीटी हमारी आ गई हैं और अब हम गैस बंद कर देंगे। दिखाते हैं कि किस तरह की तैयार हुई है। देखिए स्टीम निकल गई है इसकी, और हम इसको ये देखिए हमारा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। और गैस चला देंगे और इसमें ये इमली का पानी है, ये इमली का पल्प मिलता है वो हमने डाला है इसमें, इमली का पल्प। और ये थोड़ा सा हम गुड़ डालेंगे, इससे खट्टा मीठा इसका टेस्ट आएगा। और इसको अभी हम थोड़ी देर पका लेंगे। हमें थोड़ी देर और पकाना है। जब तक हम इधर पक रही है तब तक हम तड़का तैयार करते हैं। देखिए पैन गरम कर लिया है, तेल गरम है हमारा। इसमें हम राई डालेंगे, हींग डालेंगे, ये मिर्च है और कड़ी पत्ता। इसको चला देंगे इस तरह से और इसमें हम तड़का लगाएंगे, धीमे से लगाएंगे। देखिए हमारी सांभर तैयार हो गया है और इसमें है फ्लेवर है। देखिए हमारा सांभर सीक्रेट मसाले वाला सांभर बनके तैयार है और हम इसको सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बना है। आप भी बनाइएगा और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ये देखिए, और हम इसको डोसा के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।